हरियाणा के झज्जर में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफै सिंह राठी की हत्या के मामले में तीनों लोगों के नाम FIR दर्ज किए गए हैं। ये तीनों लोग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। FIR में नामजद किए गए तीनों लोगों में वीरेंद्र राठी, संदीप राठी और राजपाल शर्मा शामिल हैं। हरियाणा पुलिस को शक है कि विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर और गुर्गे नफै सिंह की हत्या में शामिल हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि UK में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ने कुछ महीने पहले दिल्ली में BJP नेता की हत्या करवाई थी। हरियाणा पुलिस इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के करीब से आज तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। इससे पहले कल हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से दिल्ली में तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। हालांकि संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने नफै सिंह हक की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। हरियाणा पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसके बाद पुलिस विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर और गुर्गे पर शक जता रही है। नफै सिंह राठी हरियाणा में इनोले के चीफ थे। 25 फरवरी को हमले के दौरान वो बहादुरगढ़ में अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उनकी SUV कार एक रेलवे क्रॉसिंग के पास रुकी, एक कार में सवार 5 हमलावरों ने उन पर और उनके SUV में बैठे अन्य लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी सोनीपत की तरफ फरार हो गए। गोलीकांड में नफै सिंह राठी और उनके एक सहयोगी की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। 25 फरवरी की शाम हुई नफै सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 नामजद समेत कुल 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब FIR में 3 अन्य लोगों के नाम शामिल हुए हैं। नफै सिंह राठी पर 1 साल पहले एक BJP नेता को सुसाइड करने के लिए उकसाने का भी आरोप था। राठी के परिवार ने BJP नेता के रिश्तेदारों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। आरोपियों की लिस्ट में BJP नेता के बेटे भाई समेत दूसरे रिश्तेदार के नाम भी शामिल। पुलिस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। टीम जीन फो।